के सीट पर पप्पू यादव पूरी तरह से जहां भी हमारी भागीदारी होगी हम जाएंगे। गोड्डा में हम प्रदीप जी के यहाँ रहेंगे, हम वहाँ रहेंगे और हम चाहते हैं कि हर कीमत पर रोहिणी आचार्य जी और दूसरी जो बड़ी मिश्रा जी हैं, हमारी शुभकामना है कि वो चुनाव जीते हैं। हमारा पूरा स्नेह है कि वो चुनाव जीते हैं, लेकिन हम कांग्रेस के साथ अंतिम क्षण तक हैं, अंतिम क्षण तक रहेंगे और हमारी पार्टी का पूरा समर्थन किसी भी परिस्थिति में साहबुद्दीन जी के परिवार के साथ है। साथ आपका नामांकन हुआ है, इसको लेकर भी चर्चाएं हैं पूरे प्रदेश में। हमने कहा है ना कि सिवान जिला हमारा है, सबकी सोच के साथ मुझे चलना है। मुझे कोई विधि विधान नहीं था, लोगों का प्रेम था, स्नेह था, के लोगों का अरमान था कि हमारे द्वार पे। नमस्कार, नेक्स्ट नाइन न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ प्रांशु राठौर। बिहार की सियासत में 40 लोकसभा सीट है और इन 40 की 40 लोकसभा सीटों को कैसे भी करके एनडीए अपनी तरफ लाना चाहता है। ऐसे में देखा जा रहा है कि कई ऐसे छोटे छोटे राजनीतिक दल हैं इंडिया अलायंस के अलावा जो अब दाव ठोकते हुए नजर आ रहे हैं। इन्हीं में से एक है आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद भी बिहार की सियासत में खेला करते हुए अब नजर आ रहे हैं। देखा जा रहा है कि निर्दलियों को वह लगातार समर्थन दे रहे हैं। न सिर्फ पूर्णिया सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले पप्पू यादव को उन्होंने समर्थन दिया, बल्कि सिवान लोकसभा सीट से चुनाव जो लड़ रही है निर्दलीय हिना शाहब को भी वह समर्थन दे रहे हैं। उन्हें पत्र भी भेजा जा चुका है आजाद समाज पार्टी की तरफ से। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं अमन जी। अमन जी, जैसा कि आप भी जानते हैं कि चंद्रशेखर आजाद नगीना सीट से चुनाव लड़े हैं, पहले चरण में मतदान हो चुके हैं इस सीट पर और ऐसे में देखा जाए तो इस सीट पर जीत का दावा वह कर रहे हैं। वह कह रहे हैं कि 70% वोट बैंक हमारे खाते में आया है, बाकी के 30% अदर के खाते में गया है, तो हमारी जीत तो पक्की है क्योंकि इस सीट से सपा बसपा और बीजेपी के भी उम्मीदवार उतारे गए हैं। लेकिन बात यहां पर बिहार को लेकर कर ली जाए, पप्पू यादव को उनका समर्थन दे देना, हिना शाहब को समर्थन दे देना, कितना भारी वोट बैंक उनकी तरफ आ सकता है? देखिए, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि आजाद को लेकर जब भी चर्चा होती है, बातचीत होती है तो उत्तर प्रदेश के लिहाज से होती है, खासकर नगीने के लिहाज से इस समय होती है कि वहां पर वो चुनाव लड़ रहे हैं और चुनाव खत्म हो चुका है वहां पर। ऐसे में जो जीत की संभावना है, देखिए हर प्रत्याशी कहने का ये अनुमान लगाता है कि उनकी जीत यहाँ पर होती नजर आ रही है। वही बात आजाद भी कह रहे हैं कि भाई मेरे पक्ष में तकरीबन 70% मतदान हुआ है, इसका मतलब आजाद ने ये मान लिया है कि उनकी जीत पक्की यहां पर होती हुई नजर आ रही है। अब नगीना से हटकर वो राजस्थान में भी चुनाव उनकी पार्टी लड़ती हुई नजर आ रही है, बिहार में भी 4-5 सीटों पर चुनाव लड़ती हुई नजर आ रही है, लेकिन जिस तरह से उन्होंने हिना शाहब के पक्ष में उतरकर ये बोला है कि भाई हम हिना शाहब के पक्ष में हैं और हिना साहब को जिताने का हमारा जो मकसद है उसको हम आगे बढ़ाते हुए नजर आएंगे। क्योंकि देखिए, इससे पहले अगर देखा जाए आजाद ने पप्पू यादव को लेकर भी कुछ यही रणनीति बनाई थी। अब यहाँ पर अगर आज़ाद अपनी पार्टी को मजबूत करना चाहते हैं बिहार के अंदर तो उनको भी चेहरे की तलाश हुई, क्योंकि आप देखें पप्पू यादव को कांग्रेस पार्टी ने जिसे दरकिनार किया है, हिना शाहब को आरजेडी ने कहीं ना कहीं साइडलाइन कर दिया है, तो यहाँ पर ये दो बड़े चेहरे अगर आज़ाद के साथ मिल जाते हैं, आज़ाद के साथ अगर आ जाते हैं तो आप ये मानकर चलिए कि बिहार में आज़ाद समाज पार्टी जो है एक मजबूत आधार अपना बना सकती है। इसीलिए लगातार जो चंद्रशेखर आज़ाद हैं वो न सिर्फ पप्पू यादव बल्कि हिना शाहब के भी पक्ष में लगातार बातें कर रहे हैं, लेटर लिख के भेज रहे हैं कि हमारा जो पूर्ण समर्थन है वो हिना शाहब को जाता है। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं अगर हिना शाहब यहां से जीत दर्ज करती हैं तो बिल्कुल वो भी आजाद का समर्थन करती हुई नजर आएंगे। और जाहिर बात है कि आने वाले दिनों में कई सीटों के ऊपर चुनाव भी काराकाट में अपना प्रत्याशी उतारा है उन्होंने, समस्तीपुर में भी उतारा है, हालांकि महाराजगंज में उनके प्रत्याशी का जो शाबिर खान है उनका जो नामांकन है वो रद्द हो चुका है। तो ऐसे में लगातार अपनी पार्टी को आगे बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं और अगर हिना शाहब का वो समर्थन करते हैं, हिना शाहब के कह सकते हैं पक्ष में एक माहौल बनाते हुए नजर आते हैं, दलित वोट बैंक को उनकी तरफ एक तरीके से अगर वो जोड़ पाते हैं तो ये आप मानकर चलिए कि आज़ाद के लिए एक बेस जो है बिहार के अंदर वो मजबूत होता हुआ नजर आएगा। हिना शाहब भी फिर कहीं ना कहीं उनका साथ उनका समर्थन देती हुई नजर आएंगी और कोई बड़ी बात नहीं है कि हिना शाहब आज़ाद समाज पार्टी का हिस्सा बनते हुए भी नजर आए। बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये सवाल तो उठना लाजमी है कि हिना शाहब अगर जीत जाती हैं यहाँ से तो आजाद समाज पार्टी की तरफ उनका रुख हो सकता है। आजाद समाज पार्टी मुस्लिम और दलित वोट बैंक को साधने के लिए पूरी तरीके से प्रयास में जुट चुकी है। आपको जानकारी दे दें कि आजाद समाज पार्टी की तरफ से एक लेटर लिखा गया है और इसमें लिखा गया है कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई चंद्रशेखर आजाद जी के आदेशानुसार लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र सिवान
2018 के निर्दलीय उम्मीदवार श्रीमती हिना शाहब का भीम आर्मी से सह आजाद समाज पार्टी बिहार पूर्णतया समर्थन करती है। और जिस तरह से इसे लिख दिया गया है, यहां पर कह दिया गया है कि जिला कमेटी इन उम्मीदवार को जुटाने के लिए तन मन धन से योगदान देने की कृपा करेंगे, इस तरह से यहाँ पर जो लेटर भेज दिया गया है आजाद समाज पार्टी की तरफ से, वो पूरा पूरा समर्थन दिया जा रहा है। बीते पिछले कुछ दिनों पर रुक कर लिया जाए, पूर्णिया पर जब चुनाव हुए थे तब पप्पू यादव के लिए भी इसी तरीके से लेटर लिखा गया था, वहीं वीडियो भी साझा किया गया था। अब ऐसे में हिना शाहब इस जीत के लिए क्या कुछ कहती हुई नजर आ रही है, वह साफ तौर पर जीत का दावा कर रही है। सुनिए जरा, यहाँ पर इस रिपोर्ट के जरिए आप जानेंगे कि आखिरकार बिहार में हिना शाहब क्या कुछ दावे कर रही है। देखिए क्या कुछ कहिएगा सिवान के लोगों से। आप लोग को जानना चाहिए कि डॉक्टर मोहम्मद शाहबुद्दीन साहब विकास पुरुष थे और उनकी पुण्यतिथि नहीं है, ये उनकी जो शुरुआत थी सिवान जिला की भलाई के लिए वो आज ही से शुरू हो रही है। मैंने कल एक कड़ी जोड़ा है और आज से मैं दूसरी कड़ी तीसरी कड़ी जोड़ती जाऊंगी, यही उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। मैडम, आपके नामांकन की चर्चाएं पूरे प्रदेश में की जा रही है, अपने साधारण तरीका से इस बार नामांकन किया है, जबकि इसके पहले बार आपने रिकॉर्ड मत भीड़ जुटाती थी अपने नामांकन में। जुटाते नहीं थे, लोगों को मिल जा लोगों को मौका दिया जाता था, लोगों को बता दिया जाता था कि फला दिन का मेरा नामांकन है, पूरे जिले से लोग इकट्ठे हो जाते थे। आज तक हम लोगों ने एक गाड़ी भी किसी भी प्रखंड में किसी भी गाँव में नहीं भेजा है कि आप लोग मेरी गाड़ी पे बैठकर आइए, या एक रुपया हमने तेल का खर्च नहीं दिया है। ये मेरे लिए सबसे बड़ी सौभाग्य की बात है कि लोग दिल से डॉक्टर मोहम्मद शाहबुद्दीन साहब को चाहते हैं और अपने दिल में रखते हैं, मेरे लिए भी छोटा सा अपने दिल में जगह दे रहे हैं। हिंदू विधि विधान के साथ आपका नामांकन हुआ है, इसको लेकर भी चर्चाएं हैं पूरे प्रदेश में। हमने कहा है ना कि सिवान जिला हमारा है, सबकी सोच के साथ मुझे चलना है। मुझे कोई विधि विधान नहीं था, लोगों का प्रेम था, स्नेह था, कि लोगों का अरमान था कि हमारे द्वार पे एक हाथी आए। हालांकि लोग बड़े बड़े हाथी घोड़ा और ऊंट के साथ जुलूस निकाल कर नामांकन करते हैं, तो मेरे दरवाजे पे ये आई तो मान लिए कि वो भी तो मेरी मेहमान था ना, तो मेहमान को तो मैं मिठाई और फल खिलाऊंगी ना। आशीर्वाद मिला मैडम? बिल्कुल बिल्कुल, सभी का आशीर्वाद है, सभी की दुआएं हैं, सभी की प्यार व खलूस के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। कल एक खास तस्वीर देखने को मिली, लगभग 20 से 25 या 30 की संख्या में जो लोग पहुंचे थे, सब के सब तिलकधारी थे। कल मंगल था, सभी लोग अपने मजहब के हिसाब से पूजा अर्चना करके निकले थे। सब लोग मेरे लिए कर रहे हैं, आप मस्जिद में कर रहे हैं, वो लोग मंदिर में कर रहे हैं, तो मेरे लिए तो सम्मान की बात है ना। आप सबके लिए भी सम्मान की बात हो रही है कि ये सिवान हमारा एक हो रहा है, और सिवान हमारा परिवार जिस दिन एक हो जाएगा उस दिन सिवान को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। मतलब विकास लंबे समय से रुका हुआ है, फिर एक बार पुकार रहा है कि एक बार फिर सिवान विकास की ओर बढ़े, क्या कहेंगे? देखिए, डॉक्टर मोहम्मद शाहबुद्दीन साहब जो आपके पूर्व सांसद रहे हैं, आज हम लोग के बीच में नहीं है, लेकिन उनकी विचार उनकी सोच आप सबके बीच में है, और सब लोग वक्त पे ये बात कहते रहते हैं कि विकास रुकी है, विकास रुकी है। मैं कहती हूँ नहीं, जो लोग भी आए वो अपने तरीके से जो भी काम किए बहुत अच्छा किए हैं, मुझे मौका मिलेगा तो मैं भी उस काम में मैं जोड़ना चाहूँगी, अपने आप को समर्पित के लिए मैं निकली हूँ सिवान जिला के लिए, मैं समर्पित करके आगे बढ़ूँगी। मैंने कहा, मैंने अपनी बातों में रखा कि इस्लामिया नगर के लोग पहले अपने रास्ते को सही करें, फिर उसके बाद अपने घर के अंदर की साज सजावट करें। मैडम, साहब का पुण्यतिथि है और आपने बड़ा बयान दे दिया है कि राजा जब साहब का नहीं हुआ तो आम लोगों का कैसे हो सकता है। जाहिर सी बात है, साहब को श्रद्धांजलि देने एक बंदा भी नहीं आता है पटना से चलकर सिवान, और कहते हैं कि वो हमारे सांसद थे, वो फाउंडर मेंबर थे, तो आज उनकी श्रद्धांजलि है इसलिए मैं बोल रही हूँ कि कार्यालय में भी तो नहीं मनाया जाता, पार्टी कार्यालय में भी नहीं मनाई जाती है और उनका फोटो यूज किया जाता है। तो मैं यही कहती हूँ कि आज तो हर पूरे बिहार में उनकी श्रद्धांजलि दिवस तृतीय मनाई जानी चाहिए थी,
तो क्यों नहीं मनाई जाती है? यानी अपनापन का ढोंग चल रही, ढोंग रच रही है। अब ये आप लोग ज्यादा बेहतर समझते हैं। सिवान लोकसभा सीट से अवध बिहारी चौधरी लड़ रहे हैं चुनाव, उनके बैनर पोस्टर पे पूर्व सांसद का तस्वीर नजर आ रहा है। तस्वीर नजर आ रही है, सरधाली नजर नहीं आ रही है। के सीट पर पप्पू यादव पूरी तरह से, जहां भी हमारी भागीदारी होगी हम जाएंगे। गोड्डा में हम प्रदीप जी के यहाँ रहेंगे, हम वहाँ रहेंगे। और हम चाहते हैं कि हर कीमत पर रोहिणी आचार्य जी और दूसरी जो बड़ी मिश्रा जी हैं, हमारी शुभकामना है कि वो चुनाव जीते हैं। हमारा पूरा स्नेह है कि वो चुनाव जीते हैं। लेकिन हम कांग्रेस के साथ अंतिम क्षण तक हैं, अंतिम क्षण तक रहेंगे। और हमारी पार्टी का पूरा समर्थन किसी भी परिस्थिति में शहाबुद्दीन जी के परिवार के साथ है। अब यही देखना होगा कि आखिरकार हिना शहाब जो राजद को चुनौती दे रही हैं, राजद को लेकर हिना शहाब का कहना ये रहा है कि तीन बार वह चुनाव लड़ती हुई नजर आई उनके टिकट पर, लेकिन उन्हें इग्नोर किया गया, हार का सामना किया शहाबुद्दीन के चले जाने के बाद। लेकिन अब देखा जाए तो वह निर्दलीय चुनाव लड़ रही है। क्या हिना शहाब चंद्रशेखर आजाद के दम पर, या फिर यूं कहा जाए पप्पू यादव के दम पर, जैसा कि पप्पू यादव ने भी उन्हें समर्थन दे दिया है कह रहे हैं, तो अब जल्द से जल्द चंद्रशेखर आजाद का भी बिहार की तरफ रुख हो सकता है ये कहा जा रहा है, राजद के लिए कितनी बड़ी चुनौती बन चुकी है? देखिए बिल्कुल, और अगर हम समीकरणों की बात करें, सिवान सीट पर तकरीबन मुस्लिम बहुल इलाका है, मुस्लिम बहुल क्षेत्र, तो यहाँ पर जो मुस्लिम वोट है वो काफी हद तक हिना शहाब के पक्ष में जा सकता है। और साथ में अगर यादव वोट बैंक उनकी तरफ जाता है, साथ में दलित वोट बैंक की अगर हम कहें कि आजाद और पप्पू के समर्थन से अगर हिना शहाब के पक्ष में अगर आ जाता है, तो यहाँ पर एक बड़ी जीत दर्ज करती हुई नजर आ सकती है। जैसे उनके पति कई बार यहाँ से चुनाव जीते हैं, तो यही कुछ जो है अब सिवान में एक तरीके से हिना शहाब चाहती हैं कि अपने पति के जाने के बाद वो यहाँ की राजनीति में कह सकते हैं पूरी तरह इन्वॉल्व हों, यहाँ की राजनीति को समझें जानें। और अगर वो जीत दर्ज कर देती हैं तो बिल्कुल आपने सही कहा कि आज़ाद समाज पार्टी के लिए भी एक प्लस पॉइंट हो सकता है कि उनके सहयोग से कहने के हिना शहाब अगर जीती हैं तो आने वाले दिनों में, यानी कि हम अगर विधानसभा चुनाव की बात करें जो 2025 में होने वाला है, उसमें भी काफ़ी हद तक सहयोग करती हुई नजर आ सकती है हिना शहाब। और हो सकता है कि आज़ाद समाज पार्टी के साथ मिलकर वो आगे बढ़ती हुई दिखाई पड़े, क्योंकि फिलहाल तो उनका भी ऐसा लग नहीं रहा है कि आरजेडी में उनकी वापसी हो सकती है, क्योंकि आरजेडी ने भी अपना पूरा रुख जो है उनसे अलग कर रखा है, उनसे कह सकते हैं कि उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। यही शिकायत उनकी है कि अब तक आरजेडी की तरफ से उनको जो तवज्जो मिलनी चाहिए थी वो तवज्जो नहीं मिली है। इसी बात को नाराज होकर उन्होंने निर्दलीय के रूप में ऐसा पर्चा भरा, और अब जिस तरह पप्पू यादव या फिर आजाद हो वो जैसे हिना शहाब का समर्थन कर रहे हैं, वो अपने आप में ये बताता है कि अगर ये वोट बैंक हिना शहाब के पक्ष में आ पाया तो हिना शहाब जो यहां से बड़ी जीत दर्ज करती हुई नजर आ सकती हैं। अब यही देखना होगा कि हिना शहाब क्या वाकई में यहां से एक बड़ी जीत हासिल करती हुई देखी जा सकती हैं या फिर नहीं। 25 मई को इस सीट पर मतदान होने वाले हैं, और 25 मई से पहले यहां पर देखा जाए 20 मई और 13 मई को भी वोटिंग होने वाली है। बिहार में 40 की 40 लोकसभा सीटों पर सातों ही चरणों में मतदान है, तो वहीं यूपी की 80 सीटों पर ही। अब ऐसे में यही देखना होगा कि चंद्रशेखर आजाद और पप्पू यादव का समर्थन यहां पर क्या वाकई में हिना शहाब को जीत दिला पाएगा। अगर ये जीत हो जाती है तो क्या माना जाए कि हिना शहाब आजाद समाज पार्टी की तरफ रुख करती हुई देखी जा सकते हैं। फिलहाल इस खास प्रोग्राम में इतना ही, बाकी के तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।